मैंने पहली बार जब जॉब ज्वाइन किया था, कुछ बातें समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मैं यहाँ मेरे पहले बॉस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सैलरी स्लिप के एक कंपोनेंट एचआरए की। एचआरए कंपनियाँ हमें देती हैं ताकि हम अगर रेंट पे रह रहे हैं तो उस रेंट को क्लेम करें और अपनी टैक्स बचा पाएँ। ये 80C 80D सेक्शन में नहीं आता है, ये आता है एक अलग ही सेक्शन में जिसका नाम है सेक्शन 10। इस सेक्शन के अंडर एचआरए जो है हम या पार्शल क्लेम कर सकते हैं या पूरा क्लेम कर सकते हैं जितना भी हम पे कर रहे हैं रेंट। सबसे अच्छी बात एचआरए की यही होती है कि आपको टैक्स बचाने की एक अलग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने सैलरी में से। इस वीडियो में सिंप्लीफाई करते हैं हाउस रेंट अलाउंस को, आइए मिलकर सीखते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगा 7 रूल्स की। जी हाँ, एचआरए से जुड़े हुए 7 रूल्स जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा टॉपिक कवर करेंगे हम कि एचआरए डिसाइड कैसे होता है। तीसरे टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम एचआरए को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसमें हम सिनेरियोस का भी एग्जांपल लेंगे। रूल्स पे आ जाते हैं। पहला रूल, एचआरए कभी भी आपके 50% बेसिक सैलरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी अगर 30,000 रुपये है तो एचआरए कभी भी 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता है। रूल नंबर दूसरा, एचआरए पूरा आप क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने रूल नंबर 1 में आपको बताया कि बेसिक सैलरी के 50% से ज़्यादा आपका एचआरए कंपोनेंट नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 50% आपको क्लेम करने मिलेगा। इस रूल नंबर 2 की बात हम एचआरए के कैलकुलेशन सेक्शन में डिटेल में करेंगे। रेंट क्लेम करने के टाइम अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर ज़रूर डालें अगर आप 1,00,000 रुपये से ज़्यादा रेंट भरते हो तो, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अच्छी बात यह है कि आप अपने पेरेंट्स को भी रेंट पे कर सकते हो, ये बिल्कुल सच है। बस आप एक एग्रीमेंट बनवा दीजिए और हर मंथ जो भी आप रेंट पे कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि आप उसको बैंक ट्रांसफ़र करें या उतना अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट आप ATM से विड्रॉ करें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी इंक्वायरी आती है, कोई आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आपको उसकी प्रॉपर प्रूफ हो, आप उसको अच्छे से जस्टिफाई कर पाएं। 2,40,000 रुपये से ज़्यादा अगर एक साल में आप रेंट देते हो तो 10% TDS कट करना पड़ेगा आपको। यानी कि अगर मान लीजिए मैं महीने का 30,000 रुपये रेंट देता हूँ तो मुझे 10% TDS कट करके 27,000 रुपये अपने लैंडलॉर्ड को देने हैं। इसका एक प्रोसेस होता है, वो TDS जमा कराने की जिम्मेदारी आपकी होती है। उस पर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट पर लिख दीजिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आपने ले रखा है होम लोन और आप चाहते हो कि आप HRA भी क्लेम करो, क्योंकि आप शायद आपने घर लिया होगा किसी और सिटी में और अब आपकी जॉब है कहीं और। मोबिलिटी है, कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है जहां आपने घर लिया है वहीं आपको जॉब मिले, या आपको ट्रैवल पसंद नहीं है तो आपने एक जगह घर ले रखा है लेकिन आप रहते हो कहीं और रेंट पे, आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हो HRA उस केस में भी। सिर्फ इसके अंदर 3 बातों का आप ख्याल रखिए, सिर्फ 3 बातें, कि आपका जो ये घर है वो होना चाहिए किसी और सिटी में, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो भी आप HRA क्लेम कर सकते हो। तीसरा ये है कि अगर आपने अपना एग्जिस्टिंग घर किराए पे दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, और आप खुद कहीं और रेंट पे रहते हो, उस सिनारियो में भी आप HRA क्लेम कर सकते हो। थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि HRA डिसाइड कैसे होता है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कि आपकी बेसिक सैलरी है 30,000 रुपये, जो सालाना होती है 3,60,000 रुपये, तो हाउस रेंट HRA जिसको हम कहते हैं वो मैंने पकड़ लिया 15,000। ये मैक्सिमम रहता है दोस्तों, सारी कंपनियाँ इतना नहीं दे पाती हैं। कुछ कंपनियाँ, लेकिन जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं, वो 50% तक का भी ये अलाउंस का कंपोनेंट दे देती हैं। उसके हिसाब से साल के हुए 1,80,000 कन्वेंस अलाउंस, ये जो अलग अलाउंस होते हैं हमारे टैक्सेबल अलाउंस, ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैंने डाले हुए हैं ताकि आप समझ पाओ कि ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सैलरी के। इसके अलावा भी जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके सैलरी स्लिप के राइट सेक्शन में आते हैं कि आपका प्रोफेशनल टैक्स कितना हुआ है, इनकम टैक्स डिडक्शन कितना हुआ है, मैंने वो सब यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। जस्ट आपको एक जानकारी प्राप्त हो कि कैसे हमारा HRA डिसाइड होता है, उसके लिए मैंने ये एक टेबल आपके लिए बनाई है। मैंने यहाँ पे 3 सिनेरियो लिए हैं आपको समझाने के लिए, बहुत ही सिंपल वे में हम समझेंगे। इस सेक्शन को आप बहुत ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। हमने देखा HRA डिसाइड कैसे होता है, उसी अमाउंट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक 30,000 रुपये है और आपकी कंपनी ने HRA अलाउंस 15,000 रुपये का डिसाइड किया है। अब ये हो गया 1,80,000 रुपया पूरे साल का।
आप रेंट पे करते हो 12,000 रुपये, अजम्पशन लेते हैं 12,000 का अगर आप रेंट पे करते हो, ये हो गए एक साल के 1,44,000 रुपये। अब रूल नंबर 2 अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, टाइम आ गया है यहीं उसको डिस्कस करना है। रूल नंबर 2 के हिसाब से एचआरए कैसे डिसाइड होता है? एचआरए इस प्राइमरी चीज़ पे डिसाइड होता है कि आप मेट्रो में रहते हो कि नॉन मेट्रो में रहते हो। मैं मेट्रो ट्रेन की बात नहीं कर रहा, मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में 10 मेट्रो सिटी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, कानपुर, विशाखापट्टनम और नागपुर। तो इन 10 सिटीज में अगर आप रेंट पे घर लेते हो तो ये आ जाएंगे मेट्रो सिटी के सेक्शन के अंडर, यानी कि यहाँ पे आप 50% तलक अपने बेसिक का रेंट जो है वो दिखा सकते हो, वो भर सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और सिटी में रहते हो तो आपको जो अपर लिमिट है टैक्स एग्जम्पशन की एचआरए के अंडर, वो है 40% की। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 50% इस केस में 15,000 है तो आपको पूरे 15,000 मिलेंगे नहीं। तो कैलकुलेशन ये वापस देख लेते हैं, 12,000 अगर आप रेंट पे करते हो तो साल का कितना भरा आपने, 1,44,000 रुपये माइनस, इसमें ये बहुत याद रखें दोस्तों, माइनस हो जाएगा इसमें से 10% आपका बेसिक। ये पार्ट है एक रूल का जो है रूल नंबर 2, ठीक है। तो आपकी 10% बेसिक माइनस हो जाएगी, सालाना आपकी बेसिक थी 3,60,000 रुपये, तो उसमें से 36,000 माइनस हो जाएंगे। 1,44,000 रुपये में से जैसे ही हम 36,000 निकाल देंगे तो वो होता है 1,08,000 रुपये। अब आप तो कहोगे आप तो मेट्रो सिटी में रहते हो, तो 50% के हिसाब से एलिजिबल अमाउंट वो है 1,80,000 रुपये। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो 40% के हिसाब से आपका ठहरता है 1,44,000 रुपये जो आपने एक्चुअल में भरे। अगर हम देखें इस कैलकुलेशन को तो आपने 12,000 रुपये प्रति महीना भरा है जो 1,44,000 रुपये होते हैं, तो ये तो आपको मिलने चाहिए। जी नहीं, सिनेरियो ए बी सी, इन तीनों में से कम जो है वो है 1,08,000। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, हमेशा ऐसा ही होता है, सारी कंपनियां ऐसा ही करती है, जो सबसे मिनिमम है कंपनी वही कंसीडर करती है, क्योंकि ये एक एचआरए का रूल है। हमने कर दिया है एचआरए को सिंप्लीफाई। घर ढूंढना हो सकता है मुश्किल, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज पाना हो सकता है बिल्कुल आसान। कैसे? जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, जहाँ पे हम फाइनेंशियल नॉलेज लाते रहते हैं उसको सिंप्लीफाई करके। और इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में अपने मनचाहा टॉपिक्स भी लिख सकते हो, ताकि मैं उन पर भी वीडियो बना के उन चीज़ों को भी सिंप्लीफाई करने में आपकी मदद करूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। उम्मीद करता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करोगे अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो। संडे निवेश के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।